अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है अरहम और हमार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज सुबह के 8 बजे ही उठ चुके हैं ये लोग। ये देखिए ये लड़का भी उठ गया, ये लड़का भी उठ के बैठा हुआ है और गाना देख रहा है। मतलब आज तो रिकॉर्ड सच में टूट गया। जो लोग 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे उठते हैं, वो आज 8 बजे उठे हुए। और आज ठंडी इतनी लग रही है। आज फर्स्ट टाइम ये भी हुआ है कि आज मेरा पंखा बंद है। अभी फ्रेश होके आई हूँ तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और टाइल्स एकदम ठंडी 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 सी हो रही है और बाहर तो और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मज़ा आ रहा है, मौसम बड़ा ही सुहाना, बड़ा अच्छा सा हो रहा है। और हमें करना है बहुत सारा काम। हमें बनाने हैं अभी दाल चावल चिकन फ्राई हस्बैंड के डब्बे के लिए, और फिर नाश्ता भी बनाना है हमें, रोटी पराठे। सो अब फटाफट से करते हैं काम अपना शुरू और बर्तन धोने ये रात के। चलिए करते हैं। सनलाइट आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम। देखो, हाँ बेटा। सो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और बहुत टाइम हो गया है एटलीस्ट, लेकिन हमारे ने आज नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैं बता रही, जैसे उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उठ नहीं पा रहा। सिर्फ उसने मुश्किल से 2 बाइट खाई है पराठों की और सब नाश्ता ऐसे ही रखा है। और जैसे कि आज अजूबा हुआ था, सो अरहम अभी सो गया है बेचारा, थक गया है खेलते खेलते। माशाल्लाह सुबह से खेल रहा था वो, और जल्दी उठने की वजह से आज उससे जल्दी नींद आ गई तो वो सो गया है। और अभी मैंने ये इसके सोने की वजह से मुझे मोइन को बुलाना पड़ा क्योंकि मुझे जाना है हमाद को दवाई दिलाने। सो पहले हमाद को दवाई दिला के आते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के यहाँ पे। ठंडा पानी चाहिए अरु को, ठंडा संभाल के ध्यान से। हाँ, दवाई वगैरह लेकर हम आ गए थे और हमाद जो है अभी लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। आई होप बेहतर हो जाए। सो डॉक्टर ने जो शक्कर और नमक का पानी होता है वो सजेस्ट किया है बहुत पीना, क्योंकि लूज मोशन की वजह से पानी की कमी हो जाएगी फिर। और अभी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि कुछ ये खा पी ले, उसके बाद मैं इसको दवाई देती हूँ सिरप में मिक्स करके। सो आई होप जल्दी ठीक हो जाए बच्चा। अब सुबह से आज यहीं पड़ा है, उससे बिल्कुल भी अभी उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। सो चलो खाना दे देती पहले। मेरा बेचारा बच्चा बीमार पड़ा है सुबह से, तो बोर हो गया है, सो थोड़ा सा पढ़ाई करने बैठ गया है बेटा मेरा। अरे फोटो, आडू हर जगह फोटो में आएगा तो सब बोर होएंगे बाबा, सिर्फ आडू आडू ही लेंगे तो। अब यहाँ है नेक्स्ट मॉर्निंग और हस्बैंड का ये नाश्ते का टाइम है। और अब हम आ गए हैं अम्मी के यहाँ पे थोड़े टाइम बाद। तो इसका जो मामू है वो इसे तेज़ मतलब सालन लगा के खिला रहा है रोटी पर, क्योंकि ये सिर्फ़ इसके मामू ही कर सकता है और कोई ये काम नहीं कर सकता है कि इसे सालन के साथ कुछ खिलाए, रोटी या चावल। बाकी ये किसी की बात नहीं सुनता है, लेकिन अपने मामा को ये इतना इम्प्रेस करता है कि वो मिर्ची भी ऐसे ऐसे कर करके ये खा लेता है। उसका मामा उसको पटाते रहता है और ये अपने मामों की बात मानते रहता है। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं टेलर के यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ 2-3 ड्रेस है मेरे वो सही कराने थे, सिलाई वगैरह फिटिंग वगैरह। और अब हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो है सस्ता पार्लर और जुगाड़,
सो बहुत ज़्यादा टैनिंग वगैरह हो रही थी और थोड़ा रिलैक्स, हम ऐसे ही जो है फ्री बैठे थे तो सोचा कि कुछ किया जाए। सारा काम वाम हो गया था और बच्चे भी, देखिए पार्लर ऐसा है कि हमारे बच्चे भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, सब है, मस्ती कर रहे हैं, तो हमारा सस्ता जुगाड़ू ये पार्लर है। और मग्गा देखिए नीचे रखा है, इतना सस्ता पार्लर है, मग्गा वग्गा नीचे रखा है क्योंकि कहीं अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। और हमारे देखो चेयर कितनी कंफर्टेबल है, जो कि जुगाड़ू है बिल्कुल, क्योंकि पार्लर वगैरह हम जाते नहीं हैं कभी भी कुछ भी कराने, तो घर पे जो भी अवेलेबल होता है सोचते हैं कि उसी से ही सब कुछ काम किया जाए थोड़ा बहुत। यहाँ हो रही है हमारे शाम के नाश्ते की तैयारी, और शाम के नाश्ते में बन रहा है भजिए, वहाँ बन रही है हमारी चाय, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे ही है तो अच्छा सा नाश्ता तो बनता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज। अरहम की प्रॉब्लम है मेरी वीडियो ऑन हो और अरहम कुछ डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ हो रही है हमारी टेस्टी टेस्टी सी भजिए तैयार, और हमारी चाय भी जो है डन हो चुकी है, बस अभी अच्छे से पक रही है, और अच्छा सा मस्त सा नाश्ता करेंगे, आज हस्बैंड है तो इन्जॉय करते हैं। अरे तेज लग रहा है, तेज है, खा लो सॉस लगा के खा लो। सॉस लगा के खा रहा ना, क्यों निकाल दिया? निकाल दे, सॉस नहीं खा रहे हो? अच्छा ये खा लो, सादा वाला बस।